सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हेट भी करते हैं, उनका पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन मुझे नहीं हाँ पता सही बात है, क्यों करते लेकिन हैं। हाँ हमारी तरफ से तो बड़े वाला प्यार है यूज़े के लिए, है ना, बड़े वाला, इतना बड़ा इवन हेटर्स मुझे जब पता वो है पता जो जिस दिन सुरेश के साथ पहले दिन खेला है, तो इन लोगों ने मुझे, काफी लोगों ने मुझे कहा था कि कुछ लोगों ने बोला था सुरेश का सॉन्ग लगाओ, कुछ लोगों ने बोला था आयुष सॉन्ग लगाओ। मुझे नहीं पता था कि ये सुरेश का है या किसी और का है, तब मैंने आयुष सॉन्ग पहली दफा सुना था यूट्यूब पे, और अच्छा तभी तब मुझे उनका ज्यादा पता चला। अच्छा ये रिएक्शन जबरदस्त भाई डॉक्टर। अच्छा एलिया इनको अपने चैनल का बोलो ना, शुएब रिएक्ट 26 का है ना, प्रोफाइल में लिंक है, क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स आए हैं कि भाई आपका यूट्यूब का कभी उन्होंने हमें बताया ही नहीं, जल्दी से अरे बताओ इनको, आपने बोलो ब्लॉग सब्सक्राइब करो। ब्लॉग और नहीं देखा आपने? ब्लॉग नहीं देखा आपने? किसने, मैंने नहीं देखा ना, पता नहीं आपने बताया कि नहीं, आप इनको बताओ ना, अभी लाइव ब्लॉग पे हो, देखूंगी तो आपको पता चलेगा। ओके वो तो मैं ओके रिएक्शन करूंगा गाइस, ना, इनको अभी बताओ, अभी अभी अभी, रिलैक्स गाइस रिलैक्स। हाँ गाइस, इनका चैनल सब आपको जानते हैं, पहले से जानते हैं, जानते पहले तो से हैं वो तो जानते है, लेकिन हाँ वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको बताओ। गाइस। जो लोग इनको नहीं जानते, तो इनका चैनल है यूट्यूब पे शुएब रिएक्ट्स 26 के नाम से, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। पाकिस्तान में थैंक यू, इनका लाइक यूट्यूब चैनल, और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और सपोर्ट करते हैं सबको। सुरेश सुरेश को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग जो भी सुरेश के फैंस हैं, जो भी पसंद करते हैं सुरेश को, सब वो पहले बोल रहे हैं हम जानते हैं फिर हम जानते हैं जानते नहीं, इनको बोलो इनके ना टिकटॉक के बायो में लिंक है, इनको सब्सक्राइब करो, और उधर इंटरव्यू का भी बताओ ना, इनको इंटरव्यू आपका लिया था कल, मामा का आएगा कल रिसेंटली। नेपाल के 12 बजे, कल नेपाल के 12 बजे आपकी मामा का इंटरव्यू आएगा, जिसमें आप भी हैं, आपकी मामा भी हैं, आपके भाई भी हैं ना, वो कल 12 बजे नेपाल के। वो जिसमें मैं तो उसमें चिल गई, मैं तो बैठी थी जरा सुकून से वहां सामने। आप पानी में थी, आप पानी में थी मैं वहां उधर। पानी पाँव अपने डाल के बैठी हुई थी। थैंक यू गाइस, सभी हाँ फॉक्स दीदी को फॉलो सब्सक्राइब, करो। थैंक यू गाइस। फॉक्स दाई है, अपना भी दाई है, फॉक्स दाई बहुत अच्छे हैं ना, बहुत सपोर्ट करते हैं। को सब लोग फॉलो करो गाइस, फॉक्स को फॉलो करो और नूपुर नारायण को फॉलो थैंक करो। हाँ यू प्रेम चंत्री सभी गाइस, अभी इधर सपोर्ट करो ना भाई को, फिर पता चलता है कि अपने प्यार करने वाले भी है ना, ये सारे बंदे डॉक्टर एलिया को सपोर्ट करोगे, लव यू गाइस, कोई बात नहीं। फॉक्स भाई बहुत अच्छे हैं, गाइस सब लोग मिलके ट्रिपल में प्ले करो थैंक जितने यू भी गाइस, लोग हैं। वेलकम नेपाल, थैंक यू। अच्छा, वो मुझे लोग क्वेश्चन कर रहे थे सुरेश के जो बाल हैं उसका क्वेश्चन आपने नहीं पूछा, उनके बाल आपको कैसे लगते हैं, हेयर्स जल्दी से बताओ। अच्छे लगते हैं। हाँ वो ज़्यादा जो सेट करके रखते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो बिगाड़ के रखते हैं वो अच्छे लगते हैं, फॉक्स आई लव यू। अच्छे लगते हैं, दोनों तरह से अच्छे लगते हैं। अच्छा वो पूरे ही अच्छे हैं, थैंक यू फॉक्स भाई। थैंक यू चेम्बर्सबर्ग, थैंक यू एवरीवन, सब लोग ट्रिपल में प्ले करो। मैं जाती हूँ थोड़ी देर तक प्रैक्टिस। थैंक यू। गाइस इनको जाने नहीं देना, डॉक्टर एलिया को बहुत मुश्किल से पकड़ा है, बहुत बहुत महीनों के बाद, 1 घंटे से मेरे बंदे इधर कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी पब्लिक है ना, जो रिएक्शन पब्लिक है ना, परसों तो इंटरव्यू हुआ है, परसों तो हमने इंटरव्यू लिया। नहीं, वो तो इंटरव्यू हो गया, वो तो हो गया, लेकिन अभी ज्वाइन करने के लिए मुझे इतने लोग बोल रहे थे, आपने रिक्वेस्ट ऑफ किया हुआ है, बाकियों की उठा रही है, मेरे नहीं उठा रही है ना। मैंने रिक्वेस्ट अभी ऑफ किया था, क्योंकि मैं ना सबको रिक्वेस्ट करने आई थी कि सब लोग जाके सुरेश के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बोलने आई थी। फिफ्टी अच्छा, थाउजेंड हो गाइस सुरेश भाई जाएंगे। का, हाँ गाइस 50,000 करो गाइस सुरेश भाई के, सुरेश लामा के नाम चैनल है, नहीं तो याद आयो सॉन्ग सर्च कर लो, है ना, सभी जनल है सुरेश भाई को फॉलो कर देने हो, यूजे जनता कूल बॉय गैंग सुरेश पब्लिक सारी जाने, जिनको नहीं पता सारे जाने सब्सक्राइब करो, है ना, सबको सब सभी सब जनल है सब्सक्राइब सुरेश भाई के 50K जल्दी से कर दो पब्लिक, सुरेश भाई जल्दी से कर दो जल्दी से। अच्छा आस्क क्वेश्चन, शी इज नॉट फीलिंग वेल नाउ, क्यों क्या वजह है, तबीयत ठीक है आपकी? गला थोड़ा सा खराब हो गया। ओके तो ना आस्क एनी क्वेश्चन। रेस्ट टॉक टू प्लीज। ओके अच्छा चैम्बर्स,
बता रही हूँ, मैं बस यही बोलने आई थी कि सुरेश के आने से पहले उनको डॉक्टर ने रेस्ट का बोला है, उनके आने से पहले सब लोग जितने भी लोग हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? हाँ गाइस, ये भी अगर आपको चैनल नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो सॉन्ग याद आयो, याद आयो जैसे आप सर्च करोगे ना, वो थैंक यू सुरेश के राइट, चैनल तंग कर लेंगे मोबाइल गाइस, उनका गला खराब है, मैं आपको समझाता हूँ ठीक से, ठीक है ठीक से समझाता हूँ। डॉक्टर एलिया का आज गला खराब है और इनका आज दिल नहीं कर रहा है ना लाइव आने, क्यों आज सुरेश भाई नहीं आए हैं ना इनका अब दिल नहीं लग रहा इधर है ना, अभी ये जा रही है ना, तो अगर इनको पता होता कि सुरेश ने आना तो फिर ये इधर बैठती, भले इनका गला खराब था या जो भी था, अभी इनका जाने का क्या मकसद है ना बताओ डॉक्टर एलिया, आज वो लाइव नहीं आई इसलिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर दे नरेश, थैंक यू एवरीवन। डॉक्टर तो अगर 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 सुनो, अगर सुरेश भाई लाइव होते तो आप क्या ऐसे चली जाती? कल मैं जा रही थी लाइक, जब उन्होंने बंद किया उन्होंने मुझे भी कहा है कि तुम बैठे हो अभी, मुझसे लाइव ही नहीं हो रहा था, मैं जब बोलती ना कि मैं कट कर रही हूँ नीचे कमेंट में आके बोल देते अभी बैठो अभी खेलो मैं तब तक खेलती हूँ जब तक उन्होंने बोला, फिर मैंने कट कर रेस्ट करने दो भाई, अच्छा रेस्ट करने दो भाई। ओके गाइस, याद आयो सॉन्ग सर्च कर लो, अपने भाई का सॉन्ग आएगा, मैंने रिएक्शन भी उस पर किया, उसका लिंक उस पर भी है, और आपने याद आयो सॉन्ग करो है ना, सजेशन में अपना रिएक्शन आ जाएगा, भाई का सॉन्ग आ जाएगा, उसमें जो भाई का सॉन्ग है ना सुरेश लामा है ना, क्या ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब किसी क्या क्या बोलो बोलो, नहीं नहीं ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे बोल सुरेश रहे हैं को प्रमोट, नहीं नहीं मुझे बोल रहे हैं तुम सिर्फ सुरेश को प्रमोट करो आयुषे को नहीं करो, देखो वो लोग भी नेपाल से हैं तो सुरेश भी नेपाल से हैं, मैं किसी एक बंदे की वजह से नहीं कर रही, सब लोग बहुत अच्छे हैं, वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और सुरेश अपनी जगह बहुत अच्छे। गाइस देखो देखो देखो, बात प्रमोट की नहीं है ना, सुनो सुनो डॉक्टर एल्ला मेरी बात सुनो, देखो अभी ऐसा है ना कि मैं आज जो भी हूँ ना, मैं एक क्लियर बात कर दूँ, एक क्लियर कट बात कर दूँ है ना, है ना, सुनो 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 डॉक्टर, एक मिनट के लिए, एक मिनट प्लीज़ प्लीज़, एक मिनट के लिए प्लीज़ सुनो, आप ना अपने बंदों को ये बोलो कि किसी को हेट ना दो है ना, जो सच में प्यार करने वाले ना आपसे वो कभी भी किसी को हेट नहीं देंगे, मैं अगर पर्सनली बात करूँ ना तो कसम से वल्ला आज मैं जो भी है ना आयुषे की वजह से हूँ है ना, जो भी हूँ आज कसम से, उसके बाद मैंने सुरेश भाई पे रिएक्शन स्टार्ट करा है ना, उनको भी सपोर्ट किया है, लेकिन मैं पर्सनली बात करूँगा अभी मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ ना, आयुषे को मैं कभी भी नहीं भूल सकता यार, ठीक है? तो मैं आपको भी सपोर्ट करता हूँ, मैं उनको भी करता हूँ, अगर आपका कोई उनके साथ इख्तलाफ है, आपको लगता है कि वो ठीक है या नहीं है, तो वो आप अपने पर्सनल में अपने तक रखें है ना, नहीं कह रहे, ये हमारे लोगों हमारे जितने भी पेजेस हैं ना वो सबसे प्यार करते हैं, वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं जी बोल रही हूँ रैंडमली लोग जो है ना वो बोल रहे हैं कि तुम अपना काम करो तुम उनके बारे में नहीं बात करो, तो भाई जो अच्छे हैं मैं उनको बोल हाँ, ठीक वो अच्छे, ठीक है हाँ सही बात है ये बात, देखो गाइस अभी हाँ जी जी सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सिर्फ जो देखो मैं रिस्पेक्ट सबकी करती हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करती यहाँ पे बैठ के किसी का नाम लेके, ये नहीं कहती कि वो बुरा है या इनडायरेक्टली, मैं ये नहीं कहती, जो मुझे ठीक नहीं लगता जिसने मेरे बारे में कुछ गलत बोला है या गलत बात की है जो मुझे अच्छी नहीं लगी मैं उनसे दूर हो जाती, ये सही बात, मैं उनके सामने नहीं जाती, मैं उनका नाम ही नहीं लेती, तो बेहतर है आप किसी की बुराई नहीं करो जी, यही बात है ना, अगर आपको हाँ यही बात ना, आप लोग मोहब्बत करो, अगर मोहब्बत नहीं कर सकते तो हेट नहीं करो, हेट नहीं करो सच में, आप वही ना, अगर आप लोग किसी को हेट करोगे तो उनके लोग इधर आके एलिया को बेचारी को हेट करेंगे बिना किसी वजह के है ना, वो लोग हमें हेट करेंगे, सब लोग मोहब्बत करो, लेकिन मैं अपने लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोग हेट नहीं करो, वो गलत कर रहे हाँ हैं, ये चीज आप भी गलत करो उनके साथ मिलकर, तो हमें और गलत लोगों में क्या फर्क, जो इंसान गलत करता है ना उसको जिंदगी में कभी ना कभी एहसास होता है कि उसने गलत किया, जो अच्छा लग पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी एक हैं और नेपाल के वो भी एक हैं, सब इंसान है, सबसे पहले बीच में रिलीजन को कास्ट को ये चीज मत लेके आया जी जी बिल्कुल ठीक,
जो गलत बोल रहा है उसको बोलने दो, उसे कहो जी आप ठीक है बस, और उनसे दूर बस, उनको जवाब ही अच्छा नहीं। डॉक्टर एलिया, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, है ना, एक मिनट एक मिनट। पता क्या है, आप ना आप बहुत इनोसेंट है कसम से, आपने ना अभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है कसम से, सीरियसली। अभी क्या है ना कि अयूजे को लेके जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ना, है ना, कंट्रोवर्सी को पैदा कर रहे हैं वे फिल, मतलब हमें बिना किसी वजह के, है ना, ये वही लोग हैं जो लोग उनको सपोर्ट करते थे, अभी आपको कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके लोग हैं वही उनको सपोर्ट करते हैं, तो सभी लोग एक ही है ना। ये जो गोरखली है ना, ये वो जनता, ये वो कौम है ना, इनका बताऊँ तो इन पर कभी आज तक किसी ने हुकूमत नहीं की है ना, क्या ये एक थे, सब एक थे, अभी भी मैं कहता हूँ ये एक बन के रहे कसम से, हम तो ये चाहते हैं कि ये लोग एक बन के रहे, है ना। तो ये जो आपस में कंट्रोवर्सी को लेकर बैठे, खुदा के लिए इसको ख़त्म कर दो यार, प्यार देते हैं, इनमें यूनिटी है, बहुत प्यार देते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इनकी, हाँ ना वही ना, मैं चाहती हूँ सब लोग प्यार से रहें जी, हाँ ये बात है ना बस। तो ये बोल देते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस अपलोड की तो निकल जाओ, हमारे ग्रुप से निकल जाओ, या मतलब कुछ भी, मैं देख रही हूँ ना, लोग कमेंट्स में भी लड़ रहे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ, मैं सबको देख रही होती हूँ जी, अभी भी लड़ रहे हैं, देखो अभी भी लड़ रहे हैं, देखो हमारे जो फैन पेजेस हैं वो अगर किसी की वीडियो लगाते हैं तो मैं उनको क्या कहूँ कि आप नहीं लगाओ, नहीं यार वो अच्छा कर रहे हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो करो, आप उसको प्रमोट करो, क्यों आप लोग क्यों करते हो भाई, जो जिसका है वो वही रहेगा, उसकी कोई और चॉइस नहीं होनी चाहिए। जिस देखिए अभी सुरेश है ना, सुरेश, मैं उनको नहीं कहती कि वो सिर्फ मेरे साथ खेले, मैं उनको नहीं मना कर रही कि वो किसी और के साथ नहीं खेले, आप लोग ही बोलते हो ना कि इसके साथ खेलो इसके साथ नहीं खेलो, मैं तो नहीं भी आती, तो वो जी जी भाई उनका दिल करता है जिसके साथ वो उसी के साथ खेलते हैं, मैंने उनको कभी, हाँ सही बात है एकदम, प्ले गेम बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, चाहती हूँ कि वो सबके साथ खेलें। और लास्ट टाइम जो हमने डिसीजन लिया था म्यूचुअल, एक हमारा डिसीजन हुआ था कि मैं उनके साथ नहीं खेलूंगी क्योंकि लोगों को अच्छा, किनके साथ, लोगों को अच्छा नहीं, सुरेश के साथ, आपको पता होगा आपने देखा होगा, तो मेरा यही अच्छा, था अच्छा। कि आप इसके साथ खेलने हैं, आप उनके साथ खेलो, सही बात। लेकिन मैं आपको एक बात आज बता दूं, मेरी वजह से सुरेश की लाइफ में उनकी फ्रेंडशिप में कोई चेंज नहीं आया, सही बात है, किसी के साथ वो मुझे नहीं पता, वो मेरी वजह से नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं तो नेपाल में मेरी जो फ्रेंड है महारानी, उसके बाद सबसे पहले मैं सुरेश से मिली, मैं सुरेश से रिलेटेड किसी को भी नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं, ना किसी फ्रेंड को जानती, ना किसी और को जानती, सही बात है। मैं आपको बता रही हूँ ना, तो कहते हैं कि आप उसकी फ्रेंड थी या उसकी किसी फ्रेंड की फ्रेंड थी, मैं नहीं थी किसी की फ्रेंड, आप लोगों को पता है, मैं आती, सही बात, मैं सुरेश के साथ खेलने लगी हूँ, आप लोगों के कहने पे खेलने लगी हूँ, और हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप लोगों की वजह से हो गई। यार इतना लाइट था कुछ काम, सही बात, कि मेरा कोई राइट, मैं किसी को बोलूँ या कोई मुझे कि तुम अपनी लाइफ में से इस बंदे को निकालो और इसको रखो, ठीक है, गाइज हुई यार, देखो हाँ वही ना, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोग एक हो, फर्स्ट आप लोग फर्स्ट नंबर, तो मैं ये कहूँगा कि ये लोग नेपाली हैं, ये चीज़ ना भूलें कभी भी कि एक ही हैं ये लोग, है ना, तो आप इसमें लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है यार कसम से, बंट जाओ, इसमें बंदा बिखर जाता है कसम से, ये मत बस ये सोचा करो कि हम नेपाली हैं बना, है ना, आप लोग सिर्फ ये सोचोगे तो आप लोग बहुत आगे जाओगे, अभी आप लोग ने बहुत आगे जाना है सब नेपालियों ने, ठीक है, आप लोग सिर्फ ये सोचें कि हम लोग नेपाली हैं बस, और किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़े खुदा के लिए, मैं किसी को चिल किया करें पे, नाम भी हाँ हाँ, मैं सिर्फ उन लोगों से दूर हो जाती हूँ जो लोग मेरे बारे में घटिया बातें करते हैं बगैर मुझे जाने, जिनको मेरे बारे में कुछ जी बिल्कुल से बात करते तो मुझे बुरा लगता है, मैं उनको ये नहीं कहती कि आपने उनके बारे में ये बात क्यों की है, मैं उनको सिर्फ ये कहती हूँ, सही बात है उस्ताद, इसन ऊपर सेट करना यार, लाइट चला दे यार, बस ठीक है यार, ये जो लोग कर रहे हैं बस, हेटर्स तो हैं, अले आपको पता है
हेटर्स तो सबके होते हैं। अभी मैं छोटा सा यूट्यूबर ना, मेरा किसी के साथ रोला ना, मैं तो सिर्फ मोहब्बत फैलाने वाला बंदा हूँ। मुझे लोग हेटर मतलब हेट देना नहीं कम कर रहे हैं ना, हेट मिल रहा है सारी तरफ से, तो मैं कैसे कहूँ कि आप लोग को हेट नहीं मिल रहा होगा? आप तो इतने बड़े होस्ट हो, आप लोग को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, आप इतने फेमस हो और अभी हो रहे हो, तो आपको तो हेटर्स मिलेंगे कसम से। मैं अभी हेट, अभी मेरे नीचे इतना मुझे हेट मिल रहा है कसम से, मेरा दिल पता क्या कर रहा है अभी लाइव बंद करके चला जाऊँ। लेकिन जब मैं सोचता हूँ ना कि इतने प्यार करने वाले भी हैं, कसम से मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, कसम से प्यार करने वाले मोटिवेट कर देते नेपाली। सच में बहुत प्यार करने वाले हैं, और बड़ा कोई नहीं होता फॉलोवर्स से, ही फॉलोवर्स से कोई बड़ा नहीं होता। कल कर लेंगे, सही बात, आपकी किस्मत में, आपके नसीब में अल्लाह ताला ने, इससे कोई बड़ा नहीं। मैं आपको यही कहती हूँ, जहाँ पे आप नेगेटिविटी देखते हो उसको सही बात ब्लॉक करो, सपोर्ट करो, उनसे दूर हो जाओ। सही बात है एकदम, उनको करेक्शन नहीं करो, उनकी करेक्शन नहीं करो, सिर्फ जहाँ पे आप हेट देखते हो, जहाँ पे आप नेगेटिविटी देखते हो, आप उनको ब्लॉक करो, आप रिपोर्ट करो, आपको रिपोर्ट करना आता है ना, आप जो बंदे हेट फैला रहे हैं आप लोग उनको तो हेट मतलब कर नहीं रहे हैं ना, आप लोग इनको आपस में लेके बैठे। जो इधर एलिया को जो बंदा हेट दे रहा है टिकटॉक पे आके, आपको सबको पता है ना, आप उसको जाके रिपोर्ट क्यों नहीं करते? आप लोग उसको तो रिपोर्ट करते नहीं, इधर हमें आके हेट देने लग जाते हो ना। आप लोग उसको पहले हेट, जो हेट दे रहा है एलिया को, सही जो उसकी वजह बन रहे हेट की, सबको सब लोग उसको रिपोर्ट करो, उसके जाके मजे लेने लग जाते हो नीचे लाइव में बैठ के कमेंट में करके पूछने। हालांकि वो बंदे भी एलिया के हैं और इनकी पब्लिक है सारी, डॉक्टर लामा पब्लिक को उधर जाके मजे लेती है, उनको देखती है, उसको रिपोर्ट करो अल्लाह के बंदो। अगर आप लोग मोहब्बत करते हो एलिया से तो मैं जा रही हूँ, तो जहाँ पे हेट देखो वहाँ पे रिपोर्ट करो, बस आप लोगों को रिपोर्ट करना आता है, आप लोग हमसे बेहतर, जी बिल्कुल, क्या बुरा है, आप लोगों को बेहतर पता है, बेहतर फैसले करने वाले हो, लेकिन बगैर किसी को जाने, बगैर किसी को पर्सनली जाने, उसकी स्टोरी को जाने, आप लोग किसी को जज नहीं किया। थैंक यू सचिन, थैंक यू एवरीवन, जी बिल्कुल, ओके, थैंक यू एलिया, स्टे ब्लेस्ड है ना, स्टे हैप्पी, हम लोग आपके साथ है, आपका भाई तो आपके साथ है हमेशा से, डॉक्टर आपका भाई आपके साथ है, सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए ना, आपका भाई आपके साथ है, जो मर्जी हो जाए ना, हाँ इंशाल्लाह। अभी कल पाकिस्तानी इधर लड़के मेरे साथ बैठे रहे लाइव में, इतना उन्होंने उन लोगों ने आपसे आपके आपका मतलब सपोर्ट किया, मुझे आके बोला कि यार मतलब ठीक है, अगर ये लोग कर रहे हैं तो ठीक है, जो भी कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी मेरे ब्रॉड में आए, लेकिन सपोर्ट आपको मिल रहा है पाकिस्तान से, ये भी नहीं है कि हेट ही है, पाकिस्तान से सपोर्ट ही बहुत मिल रहा है। चंद एक लोग होते हैं हेटर्स, इग्नोर करो इनको, इनको देखा ही ना करो, इनके अभी मैं कॉमेंट्स पढ़ता हूं, जो लोग हेट करते हैं ना, जो मोहब्बत करने वाले हैं उनको मोहब्बत करो, जो हेटर्स है वो जलते रहे, बस हमारा काम है जलाना हेटर्स को, है ना, बस आप मेरी बहन हो, मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा से, ऑलवेज ऑलवेज, ओके, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट, ऑलवेज विद यू, थैंक यू सो मच, किसी को हेट नहीं करो, यू मस्ट हैव एनिमीज, या होते हैं, मैं जवाब नहीं देती, मुझे लोग बोलते हैं उनके साथ मैच लगाओ, ये करो वो करो, मेरा नहीं बनता किसी को गलत बोलना, अपनी जगह ठीक है, वो मुझे जानते नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, उनके माइंड में जो भरा गया है वो उस हिसाब से ठीक चल रहे हैं, डोंट बी सैड। देखो अभी मैंने रिक्वेस्ट ऑन की थी, सबकी रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है, आप लोगों के कमेंट ऐसे मिस हो रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट ऑफ कर रही हूँ, हाँ जी अब बताएं, मैं किसी को बुरा नहीं कहती, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ आप सबसे, नो मोर गेम्स टुडे, मैंने रिक्वेस्ट ऑफ कर दी है अपनी, जस्ट चिल यू, डोंट वरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा गला अचानक से ख़राब हो गया, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया, सब लोग सुरेश के लिए दुआ करना, ठीक है, ठीक है, मैं आप बस आप लोगों को बताने आई थी, ड्रिंक वाटर, यहाँ पानी नहीं पड़ा, बी हैप्पी, आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी, सुरेश सॉन्ग ओके,
गाइस ये व्लॉग कैसा लगा? 50K हो गए, ये देखो 50K हो गए हमारे व्लॉग पे, देखा आप लोगों ने? 3, 2, 1 कैसे करें गाइस? हाँ, और आज मुझे आप लोगों से एक और बात भी करनी थी. मेरे जितने फैन पेजेस हैं, मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. एंड वो ये बंदे बहुत स्पेशल है मेरे लिए, जितने भी मेरे फैन पेजेस हैं मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं. तो जो लोग लाइव पे बैठे होते हैं, जो ग्रुप्स में बैठे हैं, वो कम्युनिटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है. गर्म पानी पियो. आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग सपोर्ट करते हैं, जिन जिन ने डीपीज अपनी चेंज की हुई हैं, आई लव यू ऑल. बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आप लोगों के लिए. अलकुमान तो रोज वेलकम. मुझे आपका नाम नहीं याद है, इतना मुश्किल. कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू गाइस. सुरेश लामा ऑफिशियल नहीं है उनके चैनल का नेम. याद आयो सॉन्ग है ना, ये ओपन करो. 45.3 हो गए गाइस. सुरेश लामा 8429, ठीक है. लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू, लव यू टू. बगैर किसी को जज के, बगैर किसी को जाने उनको जज नहीं कर लिया करें. डोंट जज टू क्विकली, इतनी जल्दी जज मत किया करो. बी स्ट्रांग. थैंक यू गिनेश, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू. तो मेरे जितने फैन पेजेस हैं, मैं उनको अक्सर ज्वाइन भी करती हूँ. जब जैसे ही मतलब मुझे टाइम मिलता है, जैसे ही मेरे सामने आते हैं, मैं उनको ज़रूर ज्वाइन करती हूँ. और मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोगों की वजह से ही हम होते हैं ना. आप लोग ही होते हो जो हमें प्रमोट करते हो, वरना लाइव पे तो हमें बहुत कम लोग देख रहे होते हैं. मैं वॉचिंग फ्रॉम UK, थैंक यू, बिग रिस्पेक्ट फ्रॉम UAE, थैंक यू गाइज. एक मिनट, एक मैच है खेलना सबने.